दोस्तों, जब हम इस तरीके की दवाई लाते हैं तो दवाई का ये जो पार्ट होता है, यानी कि दवाई का ये जो बास होता है, इसे हमें संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें दवाई डालना पड़ता है, यानी कि दवा को निकालिए, पीजिए और उसके बाद फिर इसी में रखना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करने में बार बार दिक्कत होती है। तो आज हम आपको टिप्स बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जब हम दवा इस तरीके की लाते हैं तो सभी को काम लगता है दवा की। जिसके घर में बच्चे हैं, बच्चों का भी सिरप लेना पड़ता है और अपनी भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए भी लेना पड़ता है। इसे हमें सबसे ज्यादा रखने में झंझट होती है। अगर हम ऐसे बाटल को निकाल करके अलग रखते हैं तो जब हम दवाई पी कर रखते हैं तो इसमें से थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है, जहाँ पर रखेंगे वहाँ नीचे खराब हो जाता है और दवाई का दाग लग जाता है। तो दाग ना लगे इसके लिए आपको ये खोखा जो होता है, इसका बाक्स, इसे संभाल कर रखना पड़ता है, ताकि इसमें दवा को पीने के बाद इसमें डाल दिया जाए। तब इसे बार बार डालने में निकालने में झंझट होती है। तो ऐसे ऐसे अगर आप बार बार निकालेंगे तो ऐसे ऐसे गिर जाता है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आप बहुत ही आसानी से दवा को स्टोर कर पाएंगे। इसके लिए दवा को कुछ इस तरीके से मोड़ दीजिए और आधा कट कर दीजिए। ये वाला पार्ट अब आप फेंक दीजिए। अब आप इसमें बहुत ही आसानी से दवा को स्टोर कर पाएंगे। आप चाहे जहाँ पर रखिए, ये एक कोने में पड़ा रहेगा और कहीं पर भी निशान भी नहीं लगेगा दवा का। नहीं तो ऐसे अगर डायरेक्ट बाटल को रखते हैं तो वहाँ पर नीचे निशान पड़ जाता है। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज का टिप्स बहुत छोटा छोटा है लेकिन आपके बहुत ही काम का है। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा है सुई में धागा डालने को लेकर के। जब हम सुई में धागा डालते हैं तो जल्दी ये धागा डाल नहीं पाते हैं, क्योंकि सुई का जो है होल होता है वो छोटा होता है और धागे को बार बार ऐसे करने पर डाला जाता है, फिर भी हम डाल नहीं पाते हैं जल्दी। बहुत ही उजाले की जरूरत होती है, तब जाके सुई में धागा पड़ पाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा टिप्स बताएंगे, आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेना होगा फूल वाली झाड़ू और झाड़ू का एक टुकड़ा आपको कट कर लेना होगा। आप चाहे तो ऐसे हाथ से ही तोड़ लें या फिर कट कर लें। अगर आपके पास वो जाली यानी कि नेट वाला वो हो जिसमें बच्चों का बॉल आता है, उसे भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ये झाड़ू का ले सकते हैं, या फिर आपके पास तार का हो तो तार का भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको लेनी होगी ये बिंदी, जो बिंदी आप डेली यूज करते हैं वही बिंदी लेनी होगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, बिंदी अगर आपके पास थोड़ी बड़ी हो तो ज़्यादा सही होगी, नहीं है तो इससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद आप इसे ऐसे यू आकार में मोड़ दीजिए। झाड़ू के पार्ट को आप यू आकार में इस तरीके से मोड़ दीजिए और फिर आप क्या कीजिए, इसमें एक बिंदी लेकर के इस तरीके से चिपका दीजिए। इसमें गोंद लगा होता है जिससे यह बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। अगर आपकी बड़ी बिंदी है तो इसी में डबल कर दीजिए यानी कि मोड़ दीजिए, और अगर आपकी छोटी बिंदी है तो एक बिंदी इसके ऊपर से चिपका दीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, आपका ये टूल बन करके तैयार हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसमें ये जो यू आकार में आप मोड़े हैं झाड़ू वाला, इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कीजिए और इसी सुई में इसे डाल दीजिए और फिर इसमें आप धागा डालिए। जो यू आकार में फोल्ड किए हैं उसी में आप ऐसे धागा डाल दीजिए और फिर सुई को खींच लीजिए। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। यह एक आपका सुई में धागा डालने का टूल बन करके तैयार हो गया। आपको पहले इसमें सुई डालना है कुछ इस तरीके से और फिर इसी में धागा डाल देना है।
आप देखेंगे कि बस तुरंत झटपट से आप सुई में धागा डाल पाएंगे। सुई की जो होल होगी वो चाहे कितनी भी छोटी हो, आप आसानी से सुई में धागा डाल पाएंगे। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा है कंघी को लेकर के। दोस्तों जब हम मार्केट से नई कंघी लाते हैं तो उसका ये जो दांती होता है ये बहुत ही तेज होता है, बहुत ही नुकीला होता है, जो कि बाल झाड़ते समय ये सिर में बहुत ही तेजी से काट लेता है, यानी कि बहुत ही तेजी से ये लग जाता है, इससे दर्द भी होता है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? कंघी से, कंघी का जो दांत होता है इसे कैसे अच्छे से किया जाए? किसी किसी कंघी का ये ज्यादातर होता है, सभी कंघी का नहीं होता है। जिस कंघी का ये तेज होता है उसके लिए आज हम आपको टिप्स बताएंगे, इससे आपकी कंघी एकदम बहुत ही अच्छी बन जाएगी, एकदम अच्छे से आपके बाल झाड़ पाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए आपको तवा लेना है और तवे को रख देना है गर्म होने के लिए। ऐसे ही तवा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब आपको गैस या इंडक्शन को बंद कर देना है। तो दोस्तों अभी हमारा तवा भीगा हुआ है, इसे गर्म होने देते हैं। दोस्तों जब तवा गर्म हो जाए तो तवे को इस तरीके से उल्टा कर लीजिए और इस पर इस तरीके से कंघी को थोड़ा सा चला दीजिए। इससे होगा यह कि ये जो पिघल करके थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि इसका जो दांत बहुत ही तेज था वो थोड़ा कम हो जाएगा। इससे आप बहुत ही अच्छे से बाल झाड़ पाएंगे। अगर आप मार्केट से नई कंघी ला रहे हैं या समस्या हो रही है तो इस टिप्स को जरूर फॉलो करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।